फूड पैंडा से जो चाहो वो मंगवाओ। अभी ऐप डाउनलोड करो और ऑर्डर करो। जैसा कि आप लोग अब तक तो देख ही चुके हैं कि मैं कितने बड़े बड़े लोग बुला रहा हूँ यहाँ पर। आज हमने थोड़े साइज में छोटे मगर काम में बड़े लोग बुलाए। जिनको आज बुलाने लगा इन्होंने बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए। यकीन का सफर, आंगन, इंडिया तक चली गई मॉम, मतलब रातों रात तरक्की का सफर तय किया। बल्कि मैं कहूंगा अच्छा नहीं लगता रातों रात कहना, शाम में भी किया, दिन में भी किया, ठीक है, तरक्की करती चली गई। आप सब जानते हैं सजल अली की, एक सेकंड, सजल अली की छोटी बहन सबूर अली। सबूर, सबूर कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत मजा आने वाला है शो में, बहुत मजा आने वाला है, मुझे अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। बल्कि खत्म करते हैं, डू यू फील प्राउड? बहुत ज्यादा। बड़ी वो है सजल है ना, आप लोगों की कभी लड़ाई होती है? बहुत। सजल है, सिजल है, मैं नाम सही कह रहा हूं? सजल, सही ले रहा हूं ना मैं? तो सजल जो है वो आपसे कितनी बड़ी है? मतलब एक साल का फर्क। बस है। बस अंकल आंटी जो थे वो जल्दबाजी में लग रहे थे मुझे। ये होता है ना कुछ लोगों में, करके खत्म करो, करके खत्म करो यार। हो नहीं है, कल भी हो गया, आज करके। अभी आओ, अभी आओ। अब हमारा दोस्त है तला नाम है उसका, करीबी फ्रेंड, 10 बहन भाई है उसके, 12 बहन भाई हैं। अजमत अंकल जो है बिजी आदमी, काम से काम रखते हैं। थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन भी कर लें, गरीबों के बच्चे ज़्यादा क्यों होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर लाइट नहीं आती तो जागे रहते हैं, अब क्या करें, बोर हो रहे होते हैं। लेकिन इनके घर भी छोटे छोटे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि 8 बच्चे हैं, जागा नहीं 8 बच्चे, जब ये नवा आ रहे तो ये नवा आ कैसे रही, 8 मौका कैसे दे रहे हैं? मेरे 2 हैं और वो मौका ही नहीं दे रहे तीसरे का। जब मैं बेगम से कहता हूँ खूबसूरत लग रही हो, कोई आ जाता है बच्चा रोता हुआ, अबू आप भी प्यारे लग रहे हैं और घुट में पड़ जाते हैं, मैं क्या करूँ? तो आप जब दुबई जाती है, व्हेन पीपल लुक एट यू, वहाँ अरबी लोग होते हैं, तो क्या अरबी आपको देखे तो नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम ये अहलुल सुबूर? इस तरह के पंग। देखिए इस तरह के पंगे नहीं लेने, क्योंकि मैंने भी बचपन में बहुत सी ऐसी चीज़ें याद की हैं जिससे शैतान भाग जाता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा आज शो होस्ट के बगैर करें। हाँ, चले। अच्छा इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा शैतान है जिसको आप भगाना चाहती हैं? एक ही हमारे पास इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, अच्छी टीवी इंडस्ट्री, क्यों ख़त्म करवाना चाह रहे हैं आप? उस शैतान के भागने से इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी? उस एक नहीं है ना, काफी शैतान है। बहुत अच्छा जवाब था ये। मैं बासित, तुम ये नोट कर रहे हो भाई, इसको हैशटैग कर देना, सुबूर सेज के शैतान बहुत, एक नहीं बहुत हैं, तो जिसको हम समझ रहे थे कि सिर्फ वही है, वो नहीं अकेला। कुछ हमारे यहाँ एक्टर्स हैं फीमेल जो बहुत लंबी हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो फीमेल मेल हैं वो बड़े शॉर्ट हाइटेड हैं, इनके फायदे क्या हैं, लंबे होने के क्या फायदे इंडस्ट्री में? मेरा नहीं ख्याल हाइट से कुछ भी वो है, आप आपके टैलेंट का कद लंबा होना चाहिए। वैसे तो आप देखें आजकल जितने भी नए नए एक्टर्स हैं ज्यादातर तो शॉर्ट हाइटेड ही हैं। हाँ। बाकी ये पीछे से माल छोटा क्यों आ रहा है? नहीं वो कहते हैं ना कि अब कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, अब इतने साइज के ही आया करेंगे, छोटे जो आपकी साइज के है ना वो बाद में कुछ अर्से बाद म्यूजियम में रखे जाएंगे कि इस हाइट के भी कोई लोग हुआ करते थे। इंडस्ट्री में सीनियर्स के साथ आपने काम किया, आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, सबसे फेवरेट मेल को स्टार कौन है? अगर मैं आउट से के 2 नाम ले लें। नुमान एजाज बहुत साजिद हसन, फैसल भाई बाकी सब साजिद हसन है और वो नुमान एजाज है। फैसल को ये दिल से निकला है, और पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटी है जिसने ये निकाला है। मैं तो आपको कहूंगा आपने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, उनको भाई तक रखें। फैसल भाई और नुमान एजाज, इन दोनों को प्यास लग रही हो, इन दोनों प्यासे हैं, आपके पास शरबत का ग्लास है मगर आधा है, तो इन दोनों में से किसको शरबत देंगे और किसको बोलेंगे आसरा दे देंगे? आसरे नहीं देने वाले काम नहीं करने। दोनों को शरबत दे देंगी, क्या करेंगी शरबत, बाकी का शरबत कहाँ से आएगा? मैं खुद पी लूंगी। किसी को नहीं, क्या हो गया, प्यास, इनको प्यास नहीं लगती क्या? ऊंट हैं क्या? 7 दिन का पानी स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ऊंट हैं ये? नहीं ऊंट नहीं, इनको प्यास लगती, इनको प्यास लग रही है इनफैक्ट अभी, वो ऐसी प्यास है जो कभी ना बुझेगी।
भाई बासित, अब मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, नुमान एजाज और फैसल भाई की प्यास जो है वो कोई नहीं बुझा सकता, ये सुबूर ने कहा। बहुत प्यासे और उनकी प्यास बुझ नहीं रही, उन्हें पानी डालना पड़ेगा। सुबूर ये बताएं कि आजकल आपने देखा है कि वीडियोस और पिक्चर्स लीक हो रही हैं लोगों की, दबा दब लीक हो रही हैं, हो जाती हैं या फिर करवा देते हैं। मीरा ने कराई शायद सबूर कह रही हैं कि मीरा ने तस्वीरें शायद लीक कराई। मीरा ने नहीं, मैं रैंडम बात कर रही हूँ, क्या हो गया, उनको मेरे गले पड़ गए, मैं नहीं उनको झेल सकती, बस काम करें। तो अगर आपकी आपकी अगर खुदा ना खास्ता या खास्ता लीक हो जाए पिक्स और वीडियोस कुछ भी, या तो सादा खुशबू भी लीक हो जाए तो लोग एक स्कैंडल बना लेते, तो क्या करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, विल यू ओन इट? हाँ मैंने की है। अब ये क्या लीक हुआ है इस पर डिपेंड करता है। अरे बोतल में से पानी लीक हो गया है। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं आपसे कह तो रहा हूँ पिक्चर्स या वीडियोस तो वो किस नौयत की हैं, ये समझे ना बात को। दोस्त मेरी बात सुनो, अगर कोई अच्छी चीज होगी तो लीक क्यों होगी, क्यों होगी लीक, नहीं होगी बुरी चीज लीक। आप मुझे ऐसा मतलब मैं उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहती लीक होने के बारे में। हाँ जी यार लीक होना कोई गंदी बात नहीं है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इमरान खान के अगेंस्ट कुछ कह रहा हूँ, ये वीडियो लीक हो गई। हाँ तो वो तो ऑन कर सकते हैं। क्या नहीं ऑन कर सकते फिर? इंडस्ट्री में सब सिंगल हैं। अच्छा जो अच्छे लोग हैं या तो वो शादीशुदा हैं जो लड़के हैं, तो या फिर वो उनका लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। शायद हुमायूं सईद, क्या वो अच्छे लड़के हैं या हैं? लड़के या हुमायूं सईद की भी शादी हो गई है। हाँ, वो काफी टाइम से हुई है उनकी। अच्छे हैं, लड़के नहीं है, थे कभी थे, कह रही है नोट कर लो। जैसे हमारे अम्मा अब्बा कहते हैं कभी हम भी जवान थे तो हम ये किया करते थे वो किया, क्या किया तो वो भी थे। हुमायूं भाई उस एज के हैं, बेटा नोट करते रहना कि सबूर आई थी शो पे, कंफर्टेबल हो जाते हैं दोनों कि सबूर आई थी शो पे। हाँ इधर ले, हाँ तो कह रही थी कि हुमायूं भाई जो थे वो मेरे अम्मी अब्बू के जमाने के हैं और बेसिकली ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं और पुराने इंजन पे नई बॉडी लगाई दी है। मैंने अच्छा बोला है, मैंने कहा विंटेज, आप उसको क्या कह रहे हैं? हुमायूं सईद को विंटेज कह दिया इन्होंने, 59 का मॉडल तो होंगे कम से कम। तो आपको लगता है इंडस्ट्री में जैसे आयशा उमर है, ठीक है, एंटी है, गई फिश बोलती हैं, बर्गर लगती हैं और बुलबुले करती हैं, बुलबुले ही करती हैं, बुलबुले ही करती हैं, नोट कर बेटा। जब कंफर्टेबल हो जाता हूँ फिर से, जब सबूर ने कहा कि आयशा उमर बुलबुले करती हैं तो उनके चेहरे पे एक हकारत की नजर थी। नोट, नोट कर लो, करियर बस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। मुझे बताया गया है, हमारी टीम जो है पूरा, मैं खुद ही हूँ वो टीम, तो मुझे अब मैंने अपने आप को बताया कि जो सबूर हैं वो हर किसी को, जैसे आपने अभी फैसल को भी कह दिया भाई कह दिया, तो कोई ऐसे एक्टर है जो आपको फॉलो अप में मैसेज करता है भाई मत कहा करो? नहीं वैसे भाई कहते हैं तो अक्सर एक्ट्रेस कह देते हैं कि भाई ना कहो। अक्सर में से कोई एक नाम? नहीं यार सीरियसली नहीं यार, आप याद नहीं रखती ऐसे लोगों को जो इस तरह की चोरी बात करते हैं। क्या मतलब शो के बाद तो मैं आपको भी भूल जाऊंगी? क्या आपका इरादा नहीं है भूलने? सबूर ने स्टेज पे होस्ट को धमकी दी, हैशटैग कर दे। अच्छा कोई ऐसा जो बेटा कहता हो आपको और हो अंदर से आलोकनाथ? यार वो क्या कितने अच्छे लगते थे, है ना, कितने अच्छे लगते थे, अब नहीं लगते आपको अच्छे? तो ये कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का आलोकनाथ कौन है? मैं हूँ, बच जाओ मुझसे, मैं हूँ, मुझे और किसी का नाम नहीं लेना। देखिए बात सुनिए, अगर आप आलोकनाथ बन गई ना तो विक्टिम कूद कूद के आना शुरू हो जाएंगे। कौन है, कौन? मुझे आलोक चाहिए, आलोक चाहिए मुझे। गिव मी सम आलोक्स। शहजाद रजा नहीं जानती ना आप, ऐसी नाम ले दें। शहजाद रजा को जानती है? नहीं जानती, लेजेंडरी एक्टर है, नाराज हो जाएंगे अगर सुन लिया तो। घर जाके गूगल करिएगा शहजाद रजा। जानती हूँ, कौन नहीं जानता उनको। क्या बात है। अच्छा आपको कोई है, बॉयफ्रेंड है?
अब कहते नहीं है, कहते नहीं हम तो बॉयफ्रेंड मुझे जो लव्स है ना बहुत बुरा लगता। अच्छा आपका कोई कारी साहब है? क्या कहूँ, नहीं है? नहीं। देख रहे होंगे कारी साहब। अच्छा सामने तो बहुत ये वो करती है, वहां जाके मुकर गई। बासित बेटा ये क्लिप अलग से निकाल के प्राइवेट सेंड करना, ठीक है? मैंने सुना था वैसे कि जो आपके हैं कारी साहब वो उनके पास लैंड क्रूजर है। नहीं है, उन मेहरान है। नहीं नहीं अभी कोई है नहीं, लेकिन जो भी होगा उसके बाद लैंड क्रूजर होगी। नहीं, इंसान का बच्चा होगा वो। अच्छा इंसान का बच्चा डिफाइन करें, इंसान का बच्चा डिफाइन। इंसान का बच्चा इधर उधर जो देखता ना हो, अंधा हो, और अगर नीचे गटर आ जाए। मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। इंसान का बच्चा यूं जा रहा है देखकर अजीब लगेगा, इंसान का बच्चा तो लगेगा ही नहीं वो। मैं हूँ साथ तो क्या होगा, मैं नहीं गिरेगा कहीं, कुछ नहीं होगा। आप संभालती रहेंगी उसे, रस्सी बांध के रखेंगी वो, फिर इंसान का बच्चा नहीं लगेगा। जो संभाल के नहीं रखती ना वो, फिर ये अंजाम होता है। सबूर रिश्ता तो हमारी दोस्ती बढ़ी नहीं पाएगी आगे। मुझे नहीं बढ़ानी, यकीन जानिए। सब यही कह के जा रहे हैं। नहीं बस बस बस, हर चीज पे ताली मत बजाएं आप लोग। छोटी सी ताली बजी ऐसा लग रहा चपाती लगा रहे थे। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई केस पकड़ा गया हो, जैसे मेरे गंदे मैसेजेस पकड़े गए अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ? अच्छा गंदे ही डायरेक्ट पकड़े गए? गंदे बाद में हुए थे वो, जब पकड़े गए तो गंदे थे। अच्छा जब साफ से तो कोई पकड़ नहीं रहा था, जबकि वो सब चाह रहा था पकड़ ले कोई, अभी मोहब्बत हमारी रिवील हो जाए, लेकिन हुई नहीं। तो पहली गर्लफ्रेंड थी, मोहब्बत चलती रही शुरू शुरू में, तो साफ साफ मैसेजेस हुए, फिर वो जब मोहब्बत बढ़ जाती है तो इंटीमेसी बढ़ जाती है, तो गंदे मैसेजेस हो गए, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या पहने हो, इस तरह से आगे बढ़ती बात। तो उसमें तो अम्मी ने पकड़ लिया मैसेजेस, अब उसमें मैसेजेस मेरे दोस्तों के भी थे, उसमें मैं यूनिवर्सिटी में था ना इंजीनियरिंग, तो हमारे पास एक सिविल डिपार्टमेंट होता है, तो मैं उसमें दोस्तों को कहता था मीट मी एट सिविल, मीट मी एट सिविल। अब लड़कियों के गंदे मैसेजेस और बीच में आ रहा है मीट मी एट सिविल, मीट मी एट सिविल। मेरी अम्मी ने, अम्मी पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट कर लेती हैं, तुम्हें तो पता होगा सबूर। अम्मी कहने लगी रात में आ गई 2 बजे, लाइट खोली, बात सुनो सिविल अस्पताल क्यों जाते हो उस लड़की के साथ? बाप बनने वाले उस तरह की बातें। मैं 16 साल का था, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि बाप बनने के लिए सिविल अस्पताल जाना पड़ता है। जब इंटर के बच्चे होते हैं ना, उनको आखिर तक नहीं बताते बच्चे कैसे होते हैं, उनको बोल देते हैं यार ये परी छोड़ के गई है। ऐसी था परी। अच्छा मैं और हम लोग पूछते थे जब शादी की मूवी देखते थे मम्मा बाबा की, हाँ। तो हम कहाँ थे, हम कहाँ थे? सो रहे थे। सो रहे थे, सो रहे थे। हम कहाँ है, जबकि अम्मी अब्बू सोते हैं तो हम आते हैं। अच्छा ये था कि वो 9th और 10th में बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, हाँ। तो जो कंप्यूटर साइंस में थे ना वो बेचारे तो वो हमेशा अटके ही रहते थे कि हम पैदा हुए हैं परियों से, परियां, और वो कंफ्यूज रहते थे यार ये परी गई कहाँ छोड़ के, हैं किसके साथ अब्बू रह रही है। कुछ लोग बायोलॉजी पढ़ते थे, उनको रिप्रोडक्शन पढ़ाते थे लोग, हैं हाँ। लेकिन मेंढक की, प्लांट्स की भी अब सब समझ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स और ये एनिमल्स, एनिमल्स का भी पढ़ा देते हैं, हाँ, इंसानों का नहीं बता रहे। इंसान उन जानवरों से बुरे और बड़े जानवर हैं, बुरे और बड़े जानवर हैं, और वो काम भी बहुत अच्छा आता है, तो वो पढ़ा रहे मेंढकों की। अब बच्चे एक ही बस में, अच्छा ओ लेवल वालों को, कमबख्तों को, क्योंकि वो ज्यादा फीस दे रहे थे ना, तस्वीरों के साथ बता रहे। मुझे तो गुस्सा आ रहा है यार। अच्छा उनको बता रहे, अब बस में तीनों ब्रांड के लड़के जा रहे हैं, मेंढक के बच्चे जा रहे हैं, परियों के बच्चे जा रहे हैं, इंसानों के बच्चे जा रहे हैं। कितना गरीबों का बहुत मजाक उड़ाया गया फिल्म में। अब आप क्योंकि इतने सालों से एक्टिंग कर रही हैं, मुझे एक्टिंग सिखाएं, मुझे मासी बनना सिखाएं, और मैं अपने साहब को फंसाना चाहती हूं ताकि मैं रातों रात आगे जा सकूं। देखिए ये बहुत ज्यादा इस कैरेक्टर में ना लाएं। फिर किस में? अच्छा कुछ कैरेक्टर बनाएं, मुझ पे क्या कैरेक्टर सूट करेगा अगर मैं औरत होता? कैरेक्टरलेस। 1 2 3
ये कैरेक्टरलेस है। मुझसे इस तरह की बातें मत करना। मेरा नाम शाजिया है, सब चीजें खोल के सामने रख देती है। बहुत कैरेक्टर लेस, बल्कि कैरेक्टर फ्री। नहीं नहीं, ये आपसे नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा कैरेक्टर? क्या कैरेक्टर लेस लोग क्या करते हैं? मुंह में आग लगा लेते हैं, कोयला रख लेते हैं, क्या होता है ऐसा स्पेशल? टेल मी सबूत। उनकी आंखों में कुछ होता है। आंखों में क्या होता है? हवस। पहुंच गए बासित, मुझे जूम जूम करना और मेरी आंखों में हवस कैप्चर करो। It was a pleasure having you on this show and I hope कि ये शो जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाए। Hi, this is Saboor Ali. Please like, share and subscribe YouTube channel Nashpati.